दोस्तों Redmi K20 और K20 Pro का स्टार्टिंग प्राइस हमें 20 और 26,000 रुपीस के करीबन देखने को मिला था इंडिया में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन था जिसमें हमें फ्लैक्सी प्रोसेसर देखने को मिला था। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का सक्सेसर Redmi K30 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जो कि 5G के कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। और दोस्तों स्मार्टफोन का बैक टू बैक टीजर और बैक टू बैक पोस्टर डेली आ रहा है, जिससे कि यह कंफर्म हो जाता है कि स्मार्टफोन में हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों यह 5G को सपोर्ट करने वाला Redmi का पहला स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस हमें 20,000 रुपीज से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों Redmi K30 में हमें देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का डिजाइन, जैसा कि Redmi K20 में हमें देखने को मिला था, जो कि आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल्स के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है बैक साइड में। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में हमें देखने को मिलने वाला डुअल पंच होल डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 गीगाहर्ट्ज़ की रहने वाली है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात कर ले दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट और रियर दोनों साइड की प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Redmi K20 में हमें देखने को मिला था। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में हमें डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 32 मेगापिक्सल्स के सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है, और यहां पर सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल्स का एक और कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 735 का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है, और यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है क्वालकॉम की तरफ से, जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 735 का प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है। अब वही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल्स के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जैसा कि अभी सभी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्मार्टफोन में हमें सैमसंग की GW1 का सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में 30 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का एक टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4500mAh की बैटरी, जो कि आने वाला 27 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों इस बार स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर ही आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाला एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट, जो कि आने वाला है MIUI 11 के साथ। एंड फाइनली दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस आपको 22,000 रुपीस के करीबन देखने को मिल सकता है, जो कि 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। एंड बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को जनवरी के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों यही सामने आ रही है कि स्मार्टफोन का लॉन्चिंग इवेंट जनवरी तक चाइना में रखा जाएगा, और उसके बाद स्मार्टफोन को 1-2 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट